another gameplay video के समझ के और new cheater video के साथ वापस और guys आप सभी को याद होगा कि last time हमारे ऊपर एक बहुत ही तगड़ा attack हुआ, मुझे नहीं पता कि वो attack किसने करा है, but जो भी शहर के भाई छोटे मोटे मतलब बदमाश है उन लोगों ने भाई माइकल के ऊपर मिलकर एक झूठ होकर बहुत ही खतरनाक अटैक किया, वो भी आरपीजी से। हम लोग एक बहुत ही तगड़ी स्पोर्ट्स कार डिलीवर करने जा रहे थे अपने शोरूम से लेकर एक बंदे को लॉस सैंटोस में। उसी टाइम भाई उन लोगों ने रास्ते पे बहुत सारे पत्थर पेड़ बिछा दिए थे जिसके थ्रू हमको सीन समझ नहीं आया, लेकिन वे दूसरे रास्ते से जैसे ही होके गया उसी टाइम भाई अपने ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक हुआ। उस अटैक में तो माइकल बाल बाल बच गया भाई, मतलब अगर उस अटैक में माइकल अगर नहीं भागता तो वहाँ पे इसका मरना फिक्स था। अच्छा हुआ कि हम लोग भाई पीछे की तरफ भाग गए और माइकल वहाँ पे बच गया। और जब से भाई लेस्टर अपने पास से गया है ना तब से ये सब सीन अपने ऊपर होते ही जा रहे हैं। अगर लेस्टर अपने पास था तो डायरेक्ट अटैक आज तक ऐसे नहीं हुआ, इसलिए गाइस हमने लेस्टर को खोजने का पूरा इंतजाम कर दिया है। जो भाई मिलिट्री वाले लेस्टर को लेकर गए थे उनका हेड है मिलिट्री कर्नल, उसके बेटे को भाई अपन किडनैप करवा लिए हैं फ्रैंकलिन और ट्रेवर से बोलकर। उन लोगों ने भाई उसके बेटे को किडनैप करके रखा हुआ है पॉलिटो सिटी में। बाकी आप लोग सोच लोगे कि लास्ट टाइम अपने ऊपर बहुत तगड़ा अटैक हुआ और अभी के टाइम में कहाँ पे हूँ, तो भाई ये जो अड्डा आप लोग देख रहे हो ना ये सब भाई लॉस्ट ट्रेन का अड्डा है, यहाँ पे बस यही लोग आते हैं, इनके अलावा यहाँ पे कोई पैर भी नहीं रख सकता। लेकिन इनको पता है कि माइकल क्या चीज है और अपने पास तो वेपन भरा ही है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे खाली पीली मतलब यहाँ पे मस्ती कर रहा हूँ उन लोगों से, अगर कोई कुछ अपने से बोलेगा ना ये देखो ये दो खड़े रहे यहाँ आराम से भाई, कुछ ज्यादा चौड़े हो रहे हैं, इनको पता है कि अपने ऊपर बहुत तगड़ा अटैक हुआ, इसके ज्यादा ये लोग मतलब अभी कुछ कर नहीं रहे, नहीं तो इतने पे तो ये लोग गन वगैरह निकाल लेते। बाकी एक बारी और ट्राई करते अगर ये लोग कुछ बोले तो डायरेक्ट अपना गन निकालेंगे और इनका मत्था फोड़ेंगे। तो ये देखो सीक्रेट भी रहा है और यहाँ भाई क्या दिक्कत है, अबे भाई इसने तो सच में गन निकाल ली, मैंने मजाक किया था, फायरिंग स्टार्ट कर दी जहाँ पे सबसे पहले अपन भी गन निकाल लेते और इनका मुंह फोड़ देते। हाँ नहीं तो भाई तुम लोगों के वजह से अपने ऊपर लास्ट टाइम बहुत ही तगड़ा अटैक हुआ था, उसको कुछ लॉस्ट गेम के भी बनते थे और जहाँ पे मैंने सोचा कि जंप करूँ लेकिन मैं अपना मास्टर ही मिलते हो बोल के, तो ठीक है ये जो लड़की है भाई इसको गोली लग, अबे मेरा निशाना इतना कैसे छूट गया, हाथों तुम्हारी तुम सॉरी ये लो मार के दे। तो इसी के साथ ये लड़की खत्म हो चुकी है और मैंने जहाँ पे अपना ऑटो गन निकाल दिया AK-47, तो इससे जल्दी से सबको खत्म करते हैं। और भाई ये जो बदमाश है इनके ऊपर मतलब क्या है क्योंकि माइकल बहुत ज्यादा गुस्सा है और ये लोग दो तीन बदमाश थे इनको खत्म करके बचे सिर्फ एक लास्ट इसको भी खत्म करते और गाइस अभी अपने को निकलना है। लेकिन उससे पहले इन लोग का जो अड्डा है ना मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब लगा दिया जाए और जहाँ पे लोगों की बहुत तगड़ी तगड़ी बाइक खड़ी हुई है, तो भाई इन लोगों ने अपना कार फोड़ा था इसलिए मैं इन लोगों का बाइक फोड़ कर जा रहा हूँ। और ये अपने साथ आप लोग जो कार देख रहे हो भाई ये अमेजिंग के साथ साथ एक बहुत ही पावरफुल वेपन कार है। बाकी सबसे पहले इसकी बाइक को डिस्ट्रॉय करते हैं और ये देखो भाई माइकल से पंगा लेने का यही नतीजा होता है। बाकी अपने को अगर पता चल जाए ना कि माइकल के ऊपर किसने अटैक कराया तो उसको तो भाई अपन कतई नहीं छोड़ेंगे। और अभी अपनी कार लेकर मैं निकल रहा हूँ बलिटो सिटी के लिए क्योंकि जो मिलिट्री कर्नल का लड़का है भाई वो किडनैप हो चुका है। और अपनी कार में देख लो भाई कितना तगड़ा ये गन लगा हुआ, अगर एक बार फायरिंग होना तो सारे बंदे ऐसे रोड से खाली कर देंगे रास्ते, तो ठीक है बातें कम करते और गाइस एक बार मैं फायरिंग करके आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखो भाई जितने बंदे सारे डर के हट जाएंगे, तो जल्दी से अपनी कार को भगाते हैं फुल स्पीड में और जल्दी से जल्दी इसको लेकर पॉलिटो सिटी। ओके गाइस तो मैं अपनी कार को लेकर आ चुका हूँ पॉलिटो सिटी ड्राइवर के दिए हुए लोकेशन पे। भाई मतलब ये जो है ना पॉलिटो सिटी है लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बीच जैसा एरिया है जहाँ पे भाई उसने भाई जो मिलिट्री के कर्नल का लड़का है उसको भाई ट्रेवर ने यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ। देखो उसने बोला था भाई वो जो लाश ढोने वाली गाड़ी है मतलब डेथ बॉडी ढोने वाली गाड़ी है वो मैं सामने की तरफ खड़ी कर दूंगा तो उससे ही पहचान जाना। तो ये रही और अंदर की तरफ आपको देख ही पा रहे होगे कि भाई अपना ट्रेवर और फ्रैंकलिन दोनों एकदम मस्त खड़े हुए, लेकिन मिलिट्री कर्नल का जो लड़का है वो अपने को अभी तक नहीं दिखा है, तो एक बार देख लेते। ओके तो ये भाई सब निकले हुए थे घूमने, तो इनको भाई रास्ते से इन लोगों ने धर लिया और यहाँ पे पकड़ कर लाए हैं। और अभी अपन करेंगे मस्त मिलिट्री कर्नल के पास फोन और इसको बुलाएंगे और डायरेक्ट पूछेंगे लेस्टर का पता। मतलब ये बोलने में जितना आसान है उतना मुझे लगता नहीं है, अगर गलती से भी मिलिट्री कर्नल अपना जो मिलिट्री वाला आर्मी है ना जहाँ पर लेकर आ जाए तो अपने को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
बाकी एक बारी अंदर से चलकर आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो भाई ट्रेवर इसके ऊपर फुल M249 का भाई एकदम एम कर रखा है। फ्रैंकलिन के पास बेस बॉल भेज है, अगर ये कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो इसका डायरेक्ट मत्था फोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले वो इसके डैडी के पास कॉल लगाते हैं और ये कहते हैं कि वो फटाफट अपने से मिलने आ जाए, नहीं तो उसके लड़की को अपन खत्म कर देंगे। ओके गाइस तो मेरा बात मिलिट्री कैनल से हो गया है, मैंने भाई उसके पास इसका फोटो भी भेज दिया और भाई डायरेक्ट मैंने अभी एड्रेस भी दे दिया मिलिट्री कैनल को। मैंने ये बोला है कि अगर वो गलती से भी अपनी मिलिट्री लेकर जहाँ पे आता है तो जो आता है तो उसका जो लड़का है भाई वो मारा जाएगा, वो बिल्कुल ही नहीं बचेगा। और ट्रेवर को भी मैंने बोल रखा है भैया थोड़ी सी होशियारी करे, इसको मारना और डायरेक्ट निकल जाना, लेकिन मिलिट्री कैनल को अभी आने में भाई थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पलिटो सिटी में अपने पास ये बार्बर वाले भैया तो माइकल का हेयर कट करवा दे, बाकी ये कुछ भी गड़बड़ करेगा तो भाई इसका खेल तो खत्म ही है। फ्रैंकलिन अपना बेसबॉल बैट लेकर खड़ा है, लेकिन मैंने इन लोगों को मना कर रखा है भाई उसके ऊपर एक भी मतलब कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, भाई उसको एक थप्पड़ भी मत मारना, बस प्यार से बचा कर रखना क्योंकि भाई मिलिट्री कैनल का लड़का है। अभी हम लोग जैसे तैसे करके लेस्टर को छुड़ा लेंगे, लेकिन भाई जो मिलिट्री कैनल है ना वो अपने से बाद में बदला तो जरूर ही लेगा, उसने आने के लिए भाई अभी आधे घंटे टाइम बताए हैं। मैंने गूगल मैप में देखा है यहाँ पे पास में भाई एक मस्त बाल वील काटने वाला बंदा का शॉप है, तो चलते अपन वही पे माइकल का जो हेयर कट है वो करवा देते हैं। और जहाँ पे मैं किसी की कार छीनू या नहीं रहने देता हूँ, पैदल ही चल लेते, लेकिन यहाँ पे सामने की तरफ एक बहुत ही तगड़ा ट्रक टाइप लगा है और ये पुलिस कहाँ से आ गया, फिर अपने पीछे तो नहीं आ रहा है ना भाई, डायरेक्ट मिलिट्री का ना तो अपन धमकी दिया है, धमकी क्या भाई डायरेक्ट उसके लड़की को उठा कर लाए हैं, तो क्या पता भाई वो डायरेक्ट अपने पीछे ही पड़ जाए। तो इसलिए अपने को थोड़े बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा और अच्छे से शहर में घूमना पड़ेगा, लेकिन उसका लड़का अपने पास है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। फटाक से ये जो आप लोग ट्रक देख रहे हो ना इसको चोरी करते हैं, ये एक मिनी ट्रक है लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा पावर होता है भाई, एकदम फुल पावरफुल कार है, कार बोल रहा हूँ सॉरी, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रक है। तो इसको भाई माइकल जैसे तैसे करके स्टार्ट कर लेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा शुरू से माइकल भाई कार चोरी करके मतलब बैंक लूट के जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत अमीर बना है और अपना शोरूम चला रहा है। और वो जो शॉप है वो पास में ये जो स्टोर के लिए मैं जहाँ पे आया हूँ शॉप तो नहीं बोल सकते, स्टोर बोल सकते, और वो यही रहा मतलब थोड़ी देर में आया क्या भाई यहाँ पे पहुँच गया। गूगल मैप्स में मैंने पहले ही सर्च मार लिया, देखो बालवील तक करने वाला ज़्यादा नज़दीक में कहाँ पे, तो यही है। और चलते भाई माइकल के यहाँ पे बाल वाल मस्त कट करवाते हैं, आज तक मैंने कट नहीं करवाया बट चलकर एक बारी अंदर देख लेते हैं कि यहाँ का क्या सीन है। और ये लड़की बाल काटेगी क्या भाई, तो चलो ठीक है अपन यहाँ पे मस्त चेयर पे बैठ जाते हैं एक बारी। ओके तो यहाँ पे माइकल आकर बैठ चुका और इन लोगों ने भाई यहाँ पे अपने को लिस्ट दे दिया और तीन ही ऑप्शन है इन लोगों के पास, और इसमें तो भाई माइकल को ज्यादा खतरे लग रहे हैं, मतलब अपने बाल देखो भाई आपको सही से दिख नहीं पा रहे होंगे मेरे बाल, ठीक भाई कैमरा ही ऐसा है। और ये यहाँ पे सेकंड वाले पे करने पे माइकल का बाल थोड़ा सा बढ़ रहे हैं और थर्ड वाले पे भाई पूरा खतरे स्टाइल लग रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ ये थर्ड वाले को ही अपन कंफर्म करते और कटवाते हैं, तो चलो मैडम जी फटाफट ये थर्ड नंबर वाला जो हेयर कट है ना इसको काट दो, मुझे नहीं पता ये कैसे काटेगी, मतलब बाल भी रोकने का सीन क्या सीन है मुझे नहीं पता, और इतनी जल्दी अपने हेयर कट हो भी गए, वाह कितने सही लग रहे हैं। एक बार ये आप लोग देखो ये इधर बियर्ड में भाई ये कुछ ज्यादा ही गंदा नहीं लग रहा है, ये नहीं मुझे करवाना भाई, छी भाई कैसा लग रहा है इसका बियर्ड। माइकल ऐसे ही बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है आप लोग देख लो, और इसका जो हेयर का मैंने अभी साइज बढ़वाया है ना वो थोड़ा बहुत गैंगस्टर टाइप लुक दे रहा है, तो वो अपने को बहुत ज्यादा सही लग रहा है। तो चलो ठीक है इतना ही करके रहने देते हैं, फिर कभी आएंगे तो कुछ करवाएंगे, इनके पास तो उतना ऑप्शन था नहीं क्योंकि पलिटो सिटी एक बहुत ही छोटा सिटी है। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास ट्रेवर का कॉल आया था, वो कह रहा है कि भाई मिलिट्री कर्नल आ चुका है तो तुम जहाँ भी हो जल्दी से आ जाओ भाई, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में माइकल का जो हेयर स्टाइल है भाई कमेंट बताना कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरे स्टाइल लग रहा है कि भाई थोड़े बहुत बाल पड़ गए हैं और गैंगस्टर वाली फील मतलब चल रही है यहाँ पे, थोड़ी बहुत बातचीत गैंगस्टर वाली है। तो चलो ठीक है जल्दी से अपने ये जो ट्रक है इसको लेकर चलते हैं भाई जहाँ पे जहाँ से हम लोग आए, मतलब उस जगह को मैं क्या बोलूँ भाई बीच के साइड में जो कि इसके नीचे ये जो घर है। तो प्यार से अपने मोस्टर ट्रक को यहाँ से देखते हैं कि नीचे की साइड जाएगी कि नहीं, भाई देखो अगर अपन लोग रास्ता फॉलो करके आएंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसको तोड़ दिया, पता नहीं भाई लकड़ी वकड़ी कुछ लगी थी टूटे कि नहीं मुझे नहीं पता। तो चलो ठीक है और सामने की तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे कि
मिलिट्री कर्नल आ चुका है भाई, वो अपना बात पूरा पूरी मान रहा है, तो अपनी मोस्टर ट्रक यहाँ से उतर सकती है कि नहीं? नहीं मुझे नहीं लग रहा है कि भाई अपनी ट्रक यहाँ से उतरेगी, तो एक बारी एक काम करते हैं जहाँ से नहीं उतारेंगे, अगर जहाँ से अपनी ट्रक उतरेगी ना तो डायरेक्ट पलट जाएगी, और मैंने गलती से मोस्टर ट्रक बोल दिया क्योंकि इसका पावर आप लोग भाई कुछ भी तोड़ वीड दे रहा है, और जहाँ से अपनी ट्रक भाई प्रॉपर नीचे के साइड आराम से जा सकती है, तो एक बारी आराम से ब्रेकिंग सिस्टम को फुल अपने मतलब कंट्रोल में रखते हैं, और इसको प्यार से हल्की हल्की सी भाई मतलब ये तो फिसल के ही उतर जाएगी, तो चलो ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीके से अपने ट्रक नीचे की तरफ आ चुकी है, चलते हैं भाई जल्दी से मिलिट्री कर्नल के पास और उससे बात करते हैं और बोलेंगे भाई फटाफट लेस्टर का पता बताओ और उसके बाद से अपने बेटे को ले जाओ, लेकिन जब तक लेस्टर नहीं मिलेगा तब तक भाई इसके बेटे को हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, अपने पास ही रखेंगे ताकि भाई ये झूठ वूट बोल दे तो क्या पता। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब वो खड़ा रहा सामने की तरफ मिलिट्री कर्नल, तो चलते हैं इससे बात करते हैं और अपनी ट्रक को यहीं पे लगा देते हैं, और अच्छी बात तो ये है कि वो अपना बात पूरा पूरी मान कर, यहाँ पे दो ही सिक्योरिटी लाए जिनके पास गन और नहीं है, तो बात करते हैं। ओके गाइस, तो जैसे ही माइकल इससे बात करने गया भाई ये रोने लगा, बच्चा रो मत, तुम जल्दी से लेस्टर का अपने को पता बताओ, तो भाई रोना धोना तुम अपने घर पे करते रहना क्योंकि अभी इसके बेटे को हम लोग देने वाले नहीं है, और ये अपने को यहाँ पे समझा रहा है भाई आखिरकार लेस्टर कहाँ पे और है, तो वहाँ पे कितनी ज्यादा तगड़ी सिक्योरिटी है और अपने को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बच कर जाना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, मैंने इसको बोल दिया कि इसके बेटे को कुछ नहीं आएगा भाई, ये थप्पड़ भी नहीं मारा, तुम फटाक से सबसे पहले यहाँ से निकल जाओ। तो मिलिट्री कर्नल गाइस यहाँ से जा चुका है और अभी टाइम आ चुका है इसके बेटे को यहाँ से लेकर निकलने का, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता क्या पता अपने पीछे मिलिट्री वाले लगे हैं या फिर जो भी लगा है, तो ये चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि अपना पीछा कोई करे या फिर अपने ऊपर पीछे से कोई वार भी करे, तो मैं फटाक से अपनी कार को लेकर जाने वाला हूँ लॉस एंटोस के लिए, और जहाँ पे थोड़ा बहुत आराम से भाई मैंने कुछ ज्यादा हड़बड़ी में तेज स्पीड दे दिया जिसकी वजह से अपनी कार जाके खाई में गिर गई, पकाते इसको फुल स्पीड में और गाइस इसको लेकर चलते हैं लॉस एंटोस। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको फ्रैंकलिन के घर पे रख दिया जाए, लेकिन फ्रैंकलिन के घर पे भाई अटैक उटेक होते रहते हैं, तो मैं क्यों ना इसको माइकल के घर पे रखूँ तो ज्यादा सेफ रहेंगे। तो चलो भगाते हैं अपनी कार को लेकर चलते हैं लॉस एंटोस, रास्ते में जो भी आएगा उसको तो अपन उड़ा ही देंगे, और ये रहा एक प्यारा सा ट्वीट। ओके गाइस, तो हम अपनी कार को सेफली लेकर पहुंच के लॉस एंटोस माइकल के घर पर, भाई अपनी कार को ऐसे ऐसे गली से लेकर मैं आया ना शॉर्टकट, ये अपना पीछा कोई कर रहा होगा तो वो रास्ते में गुम हो गया होगा, तो सबसे पहले अपनी कार को यहाँ पे भाई गैराज में पार्क करते हैं, क्योंकि छुपा कर पार्क करेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा, और इसको अपन शिफ्ट करने वाले हैं भाई जो मिलिट्री कर्नल का लड़का है उसको जिमने के रूम में, क्योंकि वो रूम बहुत ज्यादा छोटा और वहां से भागने भीगने का कोई सीन नहीं है, और वहीं पे भाई ट्रेवर और फ्रैंकलिन को बोल देंगे कि इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान रखो, अभी तक तो इसको मारा वारा नहीं है लेकिन कुछ गलत करेगा तो भाई अपन छोड़ने वाला नहीं है, तो जल्दी लाओ भैया इसका सेटअप करो फटाक से। ओके गाइस, हमने इसका सेटअप कर दिया है, आप लोग भाई बताओ कि अपने को लेस्टर मिल पाएगा कि नहीं, क्या मिलिट्री कर्नल ने अपने को सही बात बताया मतलब सही पता दिया है कि नहीं, मुझे तो लगता है सही दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया था। तो चलो गाइस, आज की इस वाले गेम वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको ये वाला GTA 5 का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक नहीं करो तो जल्दी से लाइक करो, जो भी हमारे चैनल पे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बताओ कि आपको ये वाला गेम वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।